घूम रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों से आपको बचना है। अब कैसे बचना है, क्या करना है, कहां से आप हैं, बहुत डीपली आपके बारे में नहीं मालूम है। जब भी कोई एजेंट बोलता है कि मेरे पास सीवी जमा कर दीजिए, आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, ऐसे कंडीशन में आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। जब भी कोई जॉब कंसल्टेंसीज बोलती है, सैलरी बहुत ज्यादा बताती है आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, आपकी एक्सपेक्टेशन जो भी है उससे ज्यादा सैलरी बताती है। जब भी कोई भी सोशल मीडिया से किसी भी तरह से अगर आपको वैकेंसीज मिल रही है, आपको बताया जा रहा है कि आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, ऐसे कंडीशन में आपको वहां पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि बगैर इंटरव्यूज के दुनिया में कुछ भी नहीं होता, कोई भी जॉब नहीं लगती है। इवन सीवी सिलेक्शन भी है आपका, तो वहां भी आपको जूम पे, ऑनलाइन, किसी भी तरीके से, फोन पे आपको इंटरव्यू देने की जरूरत है। सबसे बड़ी चैलेंजिंग होती है कि हम जॉब जो वैकेंसीज है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, उसे सोच नहीं पाते हैं कि ये फेक है कि ये जेन्युइन है। इसी चक्कर में हम मारे जाते हैं। कोई भी एजेंट अगर बोलता है, सैलरी बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत क्विकली आपकी फ्लाइट की आपको प्रॉमिस कर रहा है कि बहुत जल्दी आपकी फ्लाइट हो जाएगी, तब भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी जॉब कंसल्टेंसीज या कोई भी एजेंट के सर पे नहीं लिखा होता है कि वो फेक है कि जेन्युइन है, ये आपको अपने दिमाग से आपको रिकॉग्नाइज करना है। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने की, समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत जल्दी कोई जल्दीबाजी कर रहा है कि आपको एक महीने के अंदर में फ्लाइट है, 10 दिन के अंदर मैं फ्लाइट करा दूंगा, अभी तुरंत जाकर आप मेडिकल करा लीजिए, वीजा प्रोसेस में चला जाएगा, ऐसे कंडीशन में ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। बहुत जल्दीबाजी अगर एजेंट कर रहा है, आपका जॉब कंसल्टेंसीज वाले कर रहे हैं, तो भी आपको नहीं करना है। इवन जो ऑथराइज जॉब कंसल्टेंसीज है, जो ऑथराइज्ड है, जो लाइसेंस लेकर बैठे हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग फ्रॉड नहीं करते हैं, वो लोग भी फ्रॉड करते हैं। अगर ऐसे लोग भी अगर आपको बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं, जल्दी से आप सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं, एडवांस जमा कर दीजिए, बहुत जल्दीबाजी मूड में है कि आपको भेज देने के लिए, तब भी आपको वहां सोचने की जरूरत है। आपको उस पर सोचना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं और ऐसे कंडीशन में हम मारे जाते हैं, चाहते हैं कि हम, मुझे इंटरव्यू देने की जरूरत ना पड़े, इंटरव्यू से हम भागते हैं। इंटरव्यू ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में पकड़ के हमें जेल में बंद कर देगा इंटरव्यूअर, हम भागते हैं। जिसका फायदा वो एजेंट या जॉब कंसल्टेंसीज वाले उठाते हैं, वो क्या बोलेंगे, आपसे प्रॉमिस करेंगे, भाई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, सीवी सिलेक्शन है, आप एडवांस जमा कर दीजिए, मेडिकल कराइए, हम आपको भेज देते हैं। बहुत ही स्मूथली तरीके से आपको बात करेंगे, आपको खुश करने के लिए, आप किस चीज में कंफर्टेबल है वही बात करेंगे, और उस कंफर्टेबल के चक्कर में हम चले जाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं आपको कि कभी भी जो जेन्युइन जॉब कंसल्टेंसी है उसी के द्वारा काम कीजिए। अब मेरे टेलीग्राम पे मैं जो भी वैकेंसीज डालता हूं वो सब फिल्टर्ड रहता है, यानी स्पॉन्सर्ड नहीं है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, उससे मुझे कोई एक रुपए की प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मैं फिल्टर करके डालता हूं, सही जेन्युइन जो ऑफिस की जो वैकेंसीज है उसी को डालता हूं। अब आपको फॉलो करना नहीं करना ये आपकी डिसीजन है। तो कभी भी ऑथराइज्ड जो ऑफिसेज हैं उससे काम कराइए, और बिल्कुल आप जो रोड एजेंट हैं, जो झोला लेके, झोला पकड़ के जो घूम रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों से आपको बचना है। अब कैसे बचना है, क्या करना है, कहां से आप हैं, बहुत डीपली आपके बारे में नहीं मालूम है, तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं।